हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इससे जो पहली आपको एक्सरसाइज कराई थी 13.2, इससे जो प्रीवियस क्लास थी उसमें। अभी चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? चैप्टर अभी हमारा 13 ही चल रहा है। चैप्टर 13 कौन सा है मेरा? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये चैप्टर मेरे कल की वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे जैसे ही स्टूडेंटों की डिमांड आएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उसे। तो चैप्टर क्या है? चैप्टर 13 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और जो आज की वीडियो में जो एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज है मेरी एक्सरसाइज 13.2। अब बात ये कि 13.2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए, मैंने क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेट 1-4 करा दिए हैं। तो इस वीडियो में जो मेरे क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन नंबर 5-2, जितने भी एंड तक शायद इसमें 8 क्वेश्चन है, तो 5-8 पढ़ेंगे। और ये पेज नंबर 247 पर है। किस पेज पर है? पेज नंबर 247। देखिए बच्चों, अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो मैं क्वेश्चंस बुक से रीड कर रहा हूँ और आप लोग अपने पास में रीड करेंगे। अ वेसल इज, देखो भाई ध्यान से सुनो, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन, ठीक है। इट इज हाइट, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। उसका मतलब ये इन्वर्टेड कोन का मतलब कि उसने इस तरीके से आपसे एक कोन आपको ऐसे गिविन दिया है, ठीक है बेटा। ये आपका इन्वर्टेड आपके लिए कोन, उसने आपसे ये बोल रखा है कि इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है इसकी? 8 सेंटीमीटर मान लिया मैंने। उसके आगे क्वेश्चन में इसके बाद हमें इसके लिए क्या चाहिए? विच इज ओपन, ठीक है। रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सारे बच्चे देखेंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस दे रहा है, पढ़ के देख लें, क्लियर और लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में। क्या लिखा है क्लियर देखें? इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है सबका? इसका इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। अब वो है यहाँ से लेके यहाँ तक वाटर से भर रहा है, ठीक है भाई, पूरा वाटर से भर रहा है, मतलब पूरे का क्या हो गया? वॉल्यूम, ठीक है। व्हेन लेट्स ऑट्स ईच ऑफ विच इज द स्पीयर ऑफ रेडियस, लेट्स ऑट्स इसमें जो निकल रहे हैं वो कितने के हैं? 0.5 सेंटीमीटर का एक स्पीयर है। आर ड्रॉप्ड इन टू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फॉलोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेट्स ऑट्स ड्रॉप इन द लेट्स ऑट्स। सारे बच्चे जानते हैं जैसे जैसे वो इसमें लेट्स ऑट क्या कर रहा है, गिरा रहा है एक एक करके, ठीक है। इसमें से क्या हो रहा है? वाटर ऐसे बाहर आ रहा है। तो उसने ये बोला है कि इसको पूरा फिलअप है, इसका इतना खाली किया जाए कि जो इसका वॉल्यूम है ना, जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा? वाटर का वॉल्यूम, जो इसमें से वाटर क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। वाटर वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1/4 ऑफ कोन। कितना है बेटा? 1/4 ऑफ कोन। अब बेटा सुनो, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। आप देखो क्या चाहिए आपको, सबसे पहले जो लेड शॉट है, जैसे कि इसमें ऐसे इस तरीके से ऊपर से आपने डाला, सबने सुना होगा। देखो भाई एक मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, आपने अगर ना हो तो आपके क्वेश्चन ध्यान भी रहेगा, कि एक बचपन में सुनाते हैं कि एक आपका कोई भी कौवा होता है और एक मटका है, उसमें वो क्या करता है, दूर दूर से लाके गिट्टी डालता है, और जैसे ही उसमें गिट्टी डालता है उसका वाटर लेवल ऊपर हो जाता है, और वाटर कहाँ से आता है? ऊपर। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये पूरा फिलअप है। ऐसे ही आपने एक इसमें लेड शॉट डाला, इसका वाटर बाहर निकला, फिर आपने दूसरा लेड शॉट डाला, इसका वाटर कुछ और बाहर निकला होगा। ऐसे ही करके कितना लेड शॉट इसमें गिराए जाए कि इसका जो 1/4 वॉल्यूम बाहर गिर जाए। जैसे इसमें टोटल 100 ml है, 1/4 कितना हो गया? 100 का 25। तो पहले मुझे टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए कौन का। आप जब टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे तो उसका हम क्या करेंगे, 1/4 उतना ही इसमें से वाटर गिरा है। तो जितना वाटर इसमें से बाहर गिरा है उतना ही वॉल्यूम किसका होगा? लेड शॉट का। तो कितने लेड शॉट है? एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना होगा, सबसे पहले हम वो निकालेंगे, ठीक है। अब देखें आप सारे बच्चे, तो यहाँ पे कोन का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है भाई? 1/3 पाई
आर स्क्वेयर एच, मैंने तो यही पढ़ा है इसका। तो यहाँ पे मैं आर वन लगा रहा हूँ क्योंकि लेड शॉट की भी रेडियस है, वो रेडियस इससे कम है, क्लियर। तो वन अपॉन थ्री इंटू पाई की जगह पे अभी मैं पाई ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये कंपेयर हो रहा है मेंसुरेशन में। जब भी कंपेयर हो या कुछ भी हो, हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि पाई की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी फ्रॉम बोथ साइड्स। नेक्स्ट आर वन, आर वन इसका कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 एंड एच इज 8। ये तो हो गया इसका वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अब आपको चाहिए वाटर वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम एस्केप आउट फ्रॉम कोन कितना है 1/4 किसका, तो 1/4 वाटर वॉल्यूम कितना है मेरा आउट फ्रॉम कौन कितना हो जाएगा भाई आपके अकॉर्डिंग 1/4 इंटू 1/3। ये तो है ही, इसका कितना कर दिया 1/4 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, ये वॉल्यूम इसका आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, वॉल्यूम ऑफ कौन किया निकाला, यहाँ से वाटर वॉल्यूम आउट फ्रॉम कौन कितना वॉल्यूम उससे बाहर निकला है, और उसके बाद ही ड्यू टू लेड शॉट। अगर किसी का दिक्कत हुई तो लेड शॉट की वजह से जितना वॉल्यूम बाहर निकला है वो कितना है 1/4 ऑफ कून, तो ये वॉल्यूम हो गया इसका कितना कर दिया 1/4, ये बाहर निकला है। और ये किसके इक्वल होगा अब आपको ये देखना है। तो मैंने लेड कर लिया, लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने हैं एन, मैंने लेड शॉट को कितना लेट कर लिया बेटा एन, मतलब कि जो लेड शॉट मैं इसमें डाल रहा हूँ वो एन है। अब मुझे पता है एन की जो वैल्यू निकल आएगी वो उतना, ये क्लियर तो नहीं होता एन का मतलब कितना है, अरे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, तो मैंने थोड़ी देर के लिए उसको अज्यूम किया है, अज्यूम कितना कर लिया है एन कर लिया है। अब आप लेड शॉट का वॉल्यूम निकालिए, अब देखो सीधी सी बात है, अगर इसमें 2 लेड शॉट है तो 1 इन वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट इंटू 2, अगर इसमें आपने ऐसा किया कि 6-7 लेड शॉट्स हैं तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट इंटू 6, तो ऐसे यहाँ पर कितने एन, तो एन का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब इतने लेड शॉट मैंने इसके अंदर डाले हैं, तो जो वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स का होगा वही कितना हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम आउट फ्रॉम कोन का। तो सुनो बेटा लेड शॉट का, अब वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट कितना होता है अगर किसी बच्चे को पता हो कैसा होगा लेड शॉट, अरे सबने देखे होंगे जो बच्चे मार्बल्स खेलते हैं उनको ही बोलते हैं। तो देखो कितना होता है, स्पेयर जैसा होता है 4/3 πr³, कितना होता है 4/3 πr³, यहाँ पर 4/3 रखा मैंने, पाई की जगह पर पाई रखा, r³ की जो वैल्यू है इसमें ध्यान से देखना, मैं अभी देख के आपको बता रहा हूँ, जो r³ की वैल्यूज है क्या दे रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी 0.5, कितना दे रहा है 0.5, तो यहाँ पर 0.5 का मतलब मैं लिख सकता हूँ आपका 0.5 ही, और आगे लिख दूंगा इसको मैं 1/2, तो ये 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 का क्यूब, और ये 0.5 मैंने यहाँ से उठा के इसको क्या लिख दिया मैंने 1/2, क्यों 1/2 इज द वेरी हेल्पफुल इन कंपैरिजन ऑफ 0.5 इन कैलकुलेशन। अब आपको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, भाई टोटल कितने हैं एन, तो एन का क्या हो जाएगा मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ इसकी जगह नंबर ऑफ लेड शॉट्स, नंबर ऑफ लेड शॉट्स क्या करते हैं टोटल वॉल्यूम अपॉन वन का, भाई टोटल वॉल्यूम कितना है मेरा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ भाई, ये इस तरीके से हो गया कि आपके पास टोटल रुपीस कितने हैं 100, 1 चॉकलेट कितने का है 5 रुपीस का, तो टोटल चॉकलेट कितने आएंगे 100 में, तो आप क्या करो 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट, तो ऐसे ही मैंने क्या रखा टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, तो कितना हो जाएगा बेटा यहां से वॉल्यूम कितना निकाला है आपने, ध्यान से देखना मैं इसको रख रहा हूं जो मैंने वैल्यू यहां से निकाली है 1/3, सॉरी इससे पहले ये भी था इसमें 1/4,
यही तो था, 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन, बेटा देखो 4/3 इंटू पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये हो गया टोटल वॉल्यूम। अब सुनो, यहाँ से मेरा 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, आगे बात समझ में, इस 4 से ये मेरा कैंसिल आउट हुआ, क्लियर, सारा कैंसिल हो गया। अभी ये 4 बचा है, ये 2, देखो ये 1/2 सबका डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर जाके 16 कर देगा, तो इस 4 से ये कितने टाइम्स कटा, 2 टाइम्स, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो मेरा कितना बचा, 5 × 5 × 2 × 2 इक्वल्स टू 25, 50, 100। तो 100 लेट शॉट्स चाहिए आपको, कितने लेट शॉट्स चाहिए सबको, 100 लेट शॉट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके बेटा, अब इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें जो आगे के 2-3 क्वेश्चन हैं वो ओनली कैलकुलेशन बेस्ड हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन सरफेस एरिया का होता है, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि कब एरिया प्लस होगा कब एरिया माइनस होगा, इसमें तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है कि आपको क्वेश्चन एरिया में क्या करना है, वॉल्यूम में कि किसका वॉल्यूम कब कैसे निकलेगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ और इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो भाई बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी इस बात के लिए कभी दूसरे के अकॉर्डिंग जज मत करना कि आप कर नहीं सकते, कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं एज अ टीचर हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, अब वो स्टूडेंट मैथ्स में मुझसे ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, सीधी सी बात है इसमें क्या है, क्योंकि मैं आप सीधा कहोगे कि सर आप इतने साल से पढ़ा रहे हो, वो क्यों नहीं रखते, वो इतने साल से नहीं पढ़ रहे हैं जितना मैंने पढ़ लिया या मैंने पढ़ा दिया, तो इसका मतलब बात इस पर नहीं कि मैं ब्रिलियंट हूँ, बात इसकी आती है कि उनकी प्रैक्टिस कम हुई है। तो कोई भी स्टूडेंट्स लाइफ में कभी भी वीक नहीं होता, बस वहाँ पे एक ही चीज़ का क्वेश्चन मार्क है, जो मेरा अपना रिव्यू है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप पढ़ने में वीक हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल किसी की बात पर बिलीव मत कीजिए आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, और मेरा आपसे इतना इस बात के लिए भरोसा है कि आप जरूर करके दिखाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे, और करेंगे कब, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम, यहाँ से वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, मैं उसको रीड कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस का क्या दे रहा है, डायमीटर 24 सेंटीमीटर, इतना दे रहा है, मतलब एक सिलेंडर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी हाइट है जो पोल है उसकी 220 और डायमीटर बेस का कितना है 24। ठीक है भाई, इतना तो हमारे समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं, विच इज सरमाउंटेड बाई, सरमाउंटेड मतलब उसके अबव साइड पे एक और रखा गया है एनोदर सिलेंडर, अब ऊपर एक और कोई शेप रखी हुई थी वो भी कैसी है सिलेंडर, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द पोल इफ द 1 सेंटीमीटर। अब ये पूरा क्वेश्चन लैंग्वेज का है, और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पूरे में क्वेश्चन में कैलकुलेशन, अदरवाइज कुछ नहीं, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करने हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो आपके मान लो मार्क्स फोड़ कट के, बिल्कुल जैसे उसने बोला कि एक ये रहा भाई सिलेंडर, एक ये पोल है, अब सुनना ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपने किया ऐसे, देखो भाई अगर ज़्यादा कैलकुलेशन हुई तो मैं इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूँगा, जिससे आपके लिए ये होगा कि आप घर पे आराम से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हुए तो, मल्टीप्लाई के लिए हम क्यों टाइम स्पेंड करें फालतू का, सीधा मल्टीप्लाई करना है, आप सारे बच्चे कर भी सकते हैं। नेक्स्ट देखो, 220 इसकी हाइट कितनी है, 220 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, इसके अलावा इसका डायमीटर कितना है, इस वाले में डायमीटर दे रहा है भाई, ध्यान रखना है इस बात को, डायमीटर विच इज सरमाउंटेड बाई ए सिलेंडर, इसकी हाइट दे रहा है 60 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, अब इसके अलावा इसकी रेडियस दी है उसने, क्या दिया, इसकी रेडियस, रेडियस कहाँ से होती है, बीच से लेके यहाँ तक का पार्ट, रेडियस कितनी दे रहा है इसकी, आपको रेडियस दे रहा है 8 सेंटीमीटर, मास निकालना है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर ऑफ, अब ये कह रहा है गिविन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन
वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इक्वल्स टू 8 ग्राम। ठीक है, इतना दे रहा है। और क्वेश्चन में आपके पीछे उसने ये भी लिख दिया कि आपको जो पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14। इसका मतलब कैलकुलेशन इसमें अच्छी खासी है। अब क्या करेंगे, एक सिलेंडर ये रहा और ऊपर भी क्या है सिलेंडर, अब इसका भी वॉल्यूम आपको चाहिए और इसका भी चाहिए, तो दोनों के आपको क्या निकालने हैं वॉल्यूम। इसके लिए क्या फार्मूला होगा, पाई आर स्क्वेयर एच, और इसके लिए क्या होगा पाई आर स्क्वेयर एच। अब दोनों के आर ओ एच तो डिफरेंट है, तो इसको आर वन एच वन, इसको आर टू एच टू, दोनों को क्या निकालोगे प्लस, जब वो क्या निकलेगा टोटल वॉल्यूम। और सारी डायमेंशंस किस में है, सेंटीमीटर में, तो जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। और इसने भी क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग ही बात की है बेटा। देखिए तो टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर के, उसमें जो वर्ड उसने यूज किया, उसने पोल यूज किया, तो मैं भी यहां पे लिख देता हूं ऑफ बोथ पोल। ठीक है, क्या हो जाएगा पाई आर वन स्क्वेयर एच वन प्लस पाई आर टू स्क्वेयर एच टू। अब इसकी मैं वैल्यू रख रहा हूँ, इसमें से मैंने सबसे पहले पाई कॉमन ले लिया है बेटा। जैसे ही मैंने पाई कॉमन लिया तो आर वन की वैल्यू कितनी है मेरी, ये कितना है डायमीटर, कितना है 24। तो रेडियस क्या होती है, हाफ ऑफ डायमीटर, मतलब जो भी आपका डायमीटर आप उसको हाफ करोगे क्या निकलेगा आपका रेडियस, ये 24 है तो ये कितना आ जाएगी रेडियस मेरी 12 का स्क्वेयर। तो 12 के स्क्वेयर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है H1 कितना है 220 प्लस, यहां से पाई तो कौन R2 ये वाला, यहां पे डायरेक्ट R ही दिया है, तो 8 × 8 और साथ में हाइट कितनी है 60। कॉमन तो और भी कुछ है पर 10 आसानी से कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो 10 पाई की वैल्यू 3.14 आपको रखनी ही रखनी है। अब सुनो बेटा 12 का मल्टीप्लाई कितना होगा 12 से, ये याद है स्क्वायर होता है। ठीक है, कैलकुलेशन के भी अपने पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे जो आपको प्रैक्टिस थे। मैंने यहाँ से 10 कॉमन ले लिया 0, यहाँ से भी 10 हट गया। अब 8 का 8 से कितना होता है 64, आसानी से याद है इसलिए, और ये कितना है 6। अब बेटा ये आपको मल्टीप्लाई करना है, ये पूरा क्वेश्चन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पूरा का पूरा किसके बेस पर है, कैलकुलेशन बेस पर है। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख के दे रहा हूँ, 1 cm³ ऑफ आयरन इक्वल्स टू 8 ग्राम। देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, इसमें जब आप करोगे क्वेश्चन में, तो मैंने इतना मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मैं सारे मल्टीप्लाई आपके सामने कर रहा हूं, कुछ भी मल्टीप्लाई ऐसे नहीं किया जो मैंने अलग से किया है। और टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट से 7 मिनट, तो इतना ही आपको लगेगा 5 to 7 मिनट इन अ वन क्वेश्चन विद कैलकुलेशन ऑन योर रफ कॉपी। नेक्स्ट 10 × 3 1.4, 10 से मल्टीप्लाई हो गया इसमें, खत्म कहानी। अब देखो मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको भी दिख रहा है 144 × 22 से, अब 22 की टेबल नहीं आती है तो 2 की तो 8 हो गया इससे, ये भी 8 और ये कितना हो गया 2, और दूसरे से तो सेम आएगा जब सेम नंबर है तो 2 मल्टीप्लाई किया 8 आ गया 8 × 8 = 16 1 8 × 8 = 10 1 = 11 3। तो ये वाला मल्टीप्लाई कितना आ गया दोनों का, और कोई ज़्यादा टाइम लगा है 3168 कितना आ गया 3168, तो 3168 देखो आपके सामने होंगे, चाहे कितनी भी लंबी कैलकुलेशन क्यों ना चली जाए, 64 × 6 तो 24 × 4 = 2 6 × 6 = 36 और 2 कितना हो गया 384। देखें सारे बच्चे क्या मैंने कैलकुलेशन कहीं बाहर करने गया, 2 सेकंड के मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आप 10th में हो फिर मल्टीप्लाई में दिक्कत हो रही है तो इसका फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है कि आप बार बार मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करें। कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउ इन योर एग्जामिनेशन। 31.4 8 और 4 का कितना हो गया इसका, ऐड कर लो तो 8 और 4 = 12 1, 8 और 6 = 14 1 = 15 1, 3 और 4 = 5 और 3, ये आपका मल्टीप्लाई ऐड होके आ गया। अब ये मल्टीप्लाई
इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम किसका है, मेरे दोनों पिलर्स का, ठीक है। पिलर का वॉल्यूम कितना आ गया या पोल का वॉल्यूम कितना आ गया, 3.14 इंटू 3552। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ इसमें, सबसे पहले कि टोटल लास्ट की कैलकुलेशन रखे देता हूँ। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना है, और देखो मैं नीचे कैलकुलेशन क्वेश्चन के अंदर ही करूँगा, मैं बाहर करने ही नहीं जाऊँगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कितना होगा, 8 ग्राम। तो सीधी सी बात है भाई, 3.14 इंटू 3552 मल्टीप्लाइड बाई किससे करना है आपको, 8, या आप ऐसे लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कितना हो जाएगा आपका, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 8 से। तो 8 इंटू 31.4 इंटू 3552 एज लाइक एग्जांपल, कि आपका सिंपल है जो ही मैं टॉफी या चॉकलेट वाला एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 चॉकलेट का प्राइस कितना है, 2 रुपीज़, तो 10 का कितना हो जाता है, सिंपल एक ही मेथड है, 2 इंटू 10। ऐसे ही यहाँ पे कितना है, 3.14, इतने ग्राम मेरा क्या निकल के आया था, इतने सेंटीमीटर क्यूब मेटल। अब आपको उसमें 1 का वेट कितना है, 8 ग्राम, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 8 से। अब देखो कोई बच्चा ये कहे कि नहीं सर आप इसको, मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, मुझे तो आंसर से याद है, पर आप इसका मल्टीप्लाई करके लिखोगे और मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। अभी हमने इसमें जब मल्टीप्लाई किया तो अभी ये मेरा किस में बना है, ग्राम में। देखो मैं सारे मल्टीप्लाई क्वेश्चन के अंदर ही करूँ, आप बाहर करने जाओ ही मत, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, एक ही मल्टीप्लाई में सब कुछ निकल आएगा। 3552 इंटू 8 करो मल्टीप्लाई, 8 2 16 1, 8 4 41, 41 4, 8 5 40, 40 4 44, 4 कैरी, 8 3 24, 24 4 28। ये लो भाई 8 से मल्टीप्लाई हुए। अब लास्ट मल्टीप्लाई किसका करना है, जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करोगे आंसर सीधे आपके किस में आ जाएंगे, ग्राम में। तो देखो बेटा आपने मल्टीप्लाई किया 3 1.4 से, 4 से 6 में करो मल्टीप्लाई, और अगर मेरी बात मानो तो आप इसको किलोग्राम में चेंज कर दोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान है। 6 4 24 4 2 4 4 4 1 4 8 16 1 4 8 32 2 3 4 2 8 और 3 11, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है, 1 से लिखोगे आप सीधा 6 1 4 8 और 2, देख लीजिए 1 से किया 6, सेम नीचे आ रहा है, अब किससे करोगे, 3 से करोगे तो 3 6 18, 1 3 1 1 3 और 1 4, 3 का मल्टीप्लाई 4 से 12 12 का 2 और 1, 3 8 कितना होता है, 24 24 24 और 1 25 और 2 कैरी, 3 2 6 3 2 6 और 2 8, ऐड करो दे दो बेटा इसका, 4 12 1 14 15 16 के बाद 1 8 10 11, 1 10 और 1 11 और 1 12 1। अब यहाँ पे कितना हो गया आपका, 5 2 7 8 और 1 9 और 8, इतने आपका ग्राम में आया है, किस में आया है, ग्राम में। आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, अब ये यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है तो इतने पॉइंट्स में आ रहा है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक ही कंसेप्ट होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 8 9 पॉइंट डिवाइड कितने से लगेगा, 1000 से, और जैसे ही आप 1000 से डिवाइड दोगे 0.3 पहले से इधर आ जाएगा, तो 1 6 2 4 किलोग्राम एग्जैक्ट आंसर निकला है, बिल्कुल जितना आपके बुक में। और आप लोग देख सकते हो कि इस कैलकुलेशन को हमें कहीं भी कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक सिंपल मल्टीप्लाई था जो आपने यहाँ पे देखा है। और कितने मिनट लगे, 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा, 3 मिनट। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, देखो, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट कितनी है, 120, एंड रेडियस कितना है आपका, 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमी स्पेयर,
ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारे बच्चे क्वेश्चन थोड़ा पढ़ें देखो बेटा इतना क्लियर हुआ यहाँ से आगे आप लोग क्या करोगे कि उसमें क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे लास्ट दो क्वेश्चन रह गए जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम इसके बाद ये वीडियो खत्म क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर मैंने अभी रीड किया था आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इतनी देर में अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट कितनी है 120 एंड रेडियस कितना है 60 आपने ये एक राइट सर्कुलर कोन बना दिया ऐसे करके ठीक है वो ये बोल रहा है इसकी जो हाइट है ना यहाँ से यहाँ तक 120 दे रहा है कितनी दे रहा है मुझे 120 और ये इसके नीचे क्या है हेमी स्पेयर लगा दिया उसने इसकी रेडियस कितनी दे रहा है 60 सेंटीमीटर कितनी दे रहा है 60 सेंटीमीटर भाई इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी सी वैसी होगी तो मैं थोड़ा सा वहाँ से डायरेक्ट पुट करूँगा एक दो वैल्यू को और यहाँ से जो आपका निकल के आ रहा है और ये किस में रखा है उसने फुल ऑफ वाटर किस में सिलेंडर में ठीक है भाई रख दे सिलेंडर में हम कौन सा मना कर रहे हैं ऐसे करके उसने इसको एक सिलेंडर में रख दिया है किसमें रख दिया सिलेंडर में पर सिलेंडर की कंडीशन है ये इसके बाहर नहीं है यहाँ पे बिल्कुल बॉटम को टच कर रहा है और यहाँ पे बिल्कुल इसमें एग्जैक्ट इसके बराबर का है कुछ नहीं है तो इसकी कितनी हो गई ये वाली हाइट 60 तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 120 ये रहा हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 120 रेडियस एग्जैक्ट सेम है जितनी इसकी है उतनी उसकी हो गई तो इसमें तीन वॉल्यूम लग रहे हैं तो जो अंदर का वेसल है उसका वॉल्यूम माइनस किस में से कर देंगे सिलेंडर में से देखो पूरा का पूरा ले जाके ऊपर से सिलेंडर में ऐसे रख दो जैसे जैसे नीचे जाएगा बॉटम तक पहुंच जाएगा बॉटम से लेके यहाँ तक इतना वाटर इसने इसमें से बाहर निकाल दिया अब जो बाहर निकला है वही वाटर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या किया मैंने इसमें ये रहा इसका नीचे एमी स्पेयर ऊपर से क्या रख दिया इसमें कोन रख दिया ठीक है ये पूरी शेप जब इसमें डाली तो इसका जो वॉल्यूम होगा किसका इस वाली शेप का अंदर वाली का मैं इस पर जरा ब्लैक मार्कर से सेट कर रहा हूँ देखें सारे बच्चे किसका होगा इस वाले का ये वाला इसका वॉल्यूम ये पूरा एक ही वेसल है ये वाला और इसका सिलेंडर का और सिलेंडर का वेसल होगा तो सिलेंडर के वेसल में से आप इस वाले वेसल को वॉल्यूम को क्या कर दोगे माइनस कर दोगे तो इसके वॉल्यूम में से माइनस करके आंसर आएगा उतना ही वाटर इसमें से बाहर निकला है सीधी सी मैं आपको बात बताऊं आपका कोई भी वाटर जो बिल्कुल फिलअप है आप उसमें जो सेप रख रहे हो उतना ही वाटर उसमें से बाहर निकलेगा जितना उस सेप का क्या होगा वॉल्यूम होगा ठीक है वो वेट के अकॉर्डिंग नहीं वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है तो हेमी स्पेयर और इस कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा कोन का तो होता है 1/3 pi आर स्क्वायर एच वन ठीक है इसका होता है 4/3 pi r1 किया पे आर का क्यूब और सिलेंडर का कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच टू पाई आर स्क्वायर एच टू अब ये दोनों तो एक साथ रहेंगे भाई क्योंकि एक ही चीज़ का पार्ट है ये बिल्कुल अलग है और इसमें से इसको क्या करोगे आप माइनस करोगे तो वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना हो जाएगा या वॉल्यूम ऑफ वाटर एस्केप आउट फ्रॉम वेसल ठीक है तो पाई आर स्क्वायर एच टू ये हो गया माइनस 1/3 अब ये दोनों अंदर प्लस होंगे भाई आर वन का स्क्वायर एच वन माइनस किया पे ये इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस 4/3 pi r3 का स्क्वायर एच अब देखो बेटा आपको क्या करना है ये अंदर जाएगा माइनस हो जाएगा खोलना जरा माइनस 1/3 pi r2 square h1 माइनस 1/ गलतियां बच्चे यहाँ पे कर जाते हैं आप जब माइनस को यहाँ पर ले जाते हैं तो यहाँ पे आप क्या करते हो माइनस ही रहने देते हो पर भाई माइनस अंदर जाता है सबके साइन चेंज करता है ये प्लस का किस में कर दिया माइनस में ये प्लस का किस में कर दिया माइनस में और यहाँ से जो निकल के आया वो किस में निकल के आया आर थ्री ये निकल आया ठीक है मैंने इसलिए खोला है क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं तो कॉमन वाली को बाहर ले लो सबको देखो बेटा पर हमने यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर दी ये हेमी स्पेयर है क्या है हेमी स्पेयर तो ये क्या आएगा मेरा
2 आएगा, और जैसे ये 2 आएगा, हम ही स्पेयर था, मुझसे मिस्टेकली 4 लिख गया था, स्पेयर का लिख गया था। अब आप इसमें से कॉमन लोगे, पाई कॉमन आ रहा है और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अब एस टू की वैल्यू, एस टू किसकी हाइट है, इसकी, तो ये कितनी थी 120 ये रही और 60 ये रही, तो ये हाइट कितनी होगी 180। तो वन एस टू, मैं पहले डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, एस टू माइनस वन अपॉन थ्री एच वन माइनस टू आर, ठीक है। अब वैल्यू रख दो पाई की वैल्यू पर, मैं पाई रख रहा हूँ क्योंकि ये होमवर्क आपके लिए है। आर टू का मतलब कितना है 60 इंटू 60, एस टू का मतलब, एस टू ये रही 180, कितना है 180 माइनस वन अपॉन थ्री एच वन, एच वन कहाँ पर है मेरा, क्योंकि एच वन किसके लिए यूज़ हो रहा है, कोन की, तो कोन की हाइट कितनी दे रहा था 120, कितनी दे रहा था 120 माइनस के 2R, 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है बेटा 60, ठीक है। तो 3 से ये कितना कटा, अब देखना ये 60 कटा और यहाँ पे भी क्या था 3, तो ये भी 3 से ये कटा 20 टाइम्स, ठीक है 40 ये हो गया और 3 से ये कितना हो गया 40, तो मेरा आ रहा है पाई इंटू 3600 और यहाँ से मेरा 180 माइनस 40 माइनस 40, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 40, अब ये पूरा कितना हो गया 100, तो सीधी सी बात है पाई इंटू 3600 इंटू 100, तो 3600 चार जीरो हो गए, और पाई की वैल्यू कितनी है सबको पता है, या तो यहाँ पे पाई लिख लो और ये कैलकुलेट तुम अपने आप कर सकते हो कि 3600 के, अब सर ये भी आप ही करके बताइए, तो भाई इतना तो अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने इतनी कैलकुलेशंस कर दी आपके सामने, मल्टीप्लाई 3.14 का आप इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, देखें सारे बच्चे उसको भी, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, मैं इसको रीड कर रहा हूँ, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है अ स्फेरिकल सेल, किसकी बात कर रहा है, अ स्फेरिकल सेल की बात कर रहा है, इसमें भी कैलकुलेशन बड़ी है। अब सुनो, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, नेक कैसी है उसकी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, आगे पढ़ो 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, उसकी नेक का डायमीटर कितना है भाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बना रहने दो, आगे देखो, उसके बाद द डायमीटर ऑफ हेमी स्पेरिकल पार्ट इज 8.5, सारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी जाएंगी क्योंकि सबका सब उसने पॉइंट में फैला रखा है, ठीक है भाई, बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इज होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। देखो वैसे क्वेश्चंस की बहुत बड़ी कैलकुलेशन है और सिर्फ मल्टीप्लाई है, कुछ है नहीं इसमें भी, चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द एवो एज इनसाइड द मेजरिंग एंड पाई इक्वल्स टू 3.14, क्या है इसमें क्वेश्चन में, कुछ खास नहीं है, ये हमने क्वेश्चन किया इससे आसान है, इसमें हमने क्या किया था, ये हेमी स्पेयर दोनों को निकाला, इसमें से इसको माइनस किया और कैलकुलेट कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 8, मैंने कहा ना आपको सरफेस एरिया वाला पार्ट है उसमें भले ही दिक्कत हो सकती है, वॉल्यूम वाले पार्ट तो इसमें ज़्यादातर आसान है, सिर्फ सबके सब आके कैलकुलेशन पर रुक जाते हैं। तो देखो बेटा, ये एक हेमी स्केयर पार्ट पर इस तरीके से नेक उसने ऐड कर दिए, हेमी स्फेरिकल है या पूरा स्फेरिकल पार्ट है, हेमी स्फेरिकल नहीं है, कैसा पार्ट है स्फेरिकल, तो मैं इस डायग्राम को अगेन सही से बनाता हूँ ऐसे कर, ठीक है। अब उसने इसमें क्या कर दिया है, एक नेक लगा दी है, मैं आपको बताऊँ अगर किसी ने बीकर देखा हो, राउंड बीकर या फ्लेक्स कर बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री लैब में होती है इस तरह की से, ठीक है, या सीधी सी बात है सुराही देखी होगी वही है। अब इसमें क्या है, उसने कहा इसको वाटर से फिलअप करना है, तो यहाँ से ये तो मुझे दिख रहा है सिलेंडर और ये दिख रहा है स्फीयर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कितना वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों बच्चे देखो, देखो भाई कल मेरे लास्ट दोनों वीडियो इस चैप्टर की एक्सरसाइज 13.3 पे आएंगी, 13.2 तक मैंने करा दिया,
एग्जाम्पल्स आपको अपने आप कंप्लीट करने हैं। अगर किसी भी एग्जाम्पल्स में कोई दिक्कत आती है आप मुझे मैसेज कीजिए और पूछिए, ठीक है। तो बेटा देखिए, अब बात यह है कि यहाँ की रेडियस है, यहाँ की रेडियस में चेंज होगा। अब मैं इस पर रेडियस और वो लिख रहा हूँ, तो इसका जो है वो टू का है, कितने का है टू, और ये कितने की है इसकी हाइट एट। और सबसे बड़ी बात है इसने इसका डायमीटर बहुत अजीब दिया है, डायमीटर दे रहा है इसका 8 पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रहा है 8.5, मतलब ये क्या दे रहा है डायमीटर, तो रेडियस आ गई इसकी 4.25, और वो भी यहाँ पर क्यूब कर रहा है आपको, बस इतनी सी बात है। तो इसको आप सारे बच्चे कैलकुलेट करेंगे घर पर, मैं इसको क्या बता रहा हूँ देखूँ। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना हो जाएगा, और भाई फ़ोन यूज़ मत कर लेना, ये क्वेश्चन आ गए ना तो ये मान लो ये आपके मल्टीप्लाई के मार्क्स हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के मार्क्स हैं ना कि टेंथ के, क्योंकि ये वॉल्यूम तो कोई भी रख सकता है फॉर्मूले सीधे, बस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, 4 अपॉन, अब देख रहे हैं 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, आर टू का क्या है क्यूब, प्लस पाई आर वन स्क्वेयर और एच, तो 4 अपॉन 3, पाई की वैल्यू आप रखोगे 3.14। अब यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है 4.25, ये है इसकी, और इसका भी क्या है क्यूब, प्लस यहाँ पे कितनी इसकी वैल्यू 3.14 रख लेना। R1 का स्क्वायर कितना है, R1 कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करोगे तो 2 है शायद, मैं डायम में बोलूँ आप एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 2 सेंटीमीटर क्या है इसकी, क्या है डायमीटर दे रहा है, क्या दे रहा है डायमीटर कितना दे रहा है 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यह है कि ये 1 हो गई रेडियस इसकी, कितनी हो गई 1, जैसे 2 है फ्री, मैंने एक बार चेक किया कितना हो गया 1, और हाइट कितनी है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। तो एक और लिख लो 8, ये आपकी कैलकुलेशन है, तो ये आपको अपने आप करना है 4 अपॉन 3 इंटू 3.14 इंटू 4.25। अब ये मल्टीप्लाई ये वाला आप अलग से सॉल्व कर लीजिए इतना, फिर आप इसमें इसको प्लस कर दीजिए निकाल के 3.14 इंटू 8, और ये सॉल्व होके कितना आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वाला आ रहा है 321.92, ये सॉल्व होके इतना आ रहा है, और प्लस और दूसरा वाला आ रहा है 25.12। तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिखोगे, ये आ रहा है आपका टोटल 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब उसने इसको जो मेज़र किया है, मेजरिंग वॉल्यूम कितना आया है, कैलकुलेशन वॉल्यूम कितना आया है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया है कैलकुलेट वॉल्यूम आपका 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। इतना तो मेरे समझ में आ गया कि ये इसका कौन सा वॉल्यूम है, मेरा कैलकुलेट वॉल्यूम, और गिवन वॉल्यूम कितना था तो 345। अगर बात वो करें कि अप्रॉक्सीमेट की है तो ये दोनों कैसे हैं करेक्ट, वरना आप आंसर में लिखोगे, आंसर में ओनली आपको करेक्ट इनकरेक्ट में बताना है तो आप लिखोगे इनकरेक्ट, INC क्या बताना है वॉल्यूम में इनकरेक्ट है या करेक्ट है, तो INCORRECT इनकरेक्ट वॉल्यूम, या आप ऐसे लिख सकते हो लास्ट में सी इज इनकरेक्ट, ये ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे मेरी जो एक्सरसाइज थी 13.2 बिल्कुल फिनिश होती है, इसके पीछे के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चंस ओनली कैलकुलेशन बेस्ड थे और मल्टीप्लाई के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और आप मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई, 2-4 मिनट लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो मल्टीप्लाई कीजिए और आप इसका आंसर निकालिए, ठीक है। यहाँ से वीडियो में इतना ही, कल जो मेरी दोनों वीडियो आएंगी, 2 वीडियोज़ और आएंगी, और वो कल हम जो पढ़ेंगे
कल की जो एक्सरसाइज होगी वो एक होगी एक्सरसाइज 13.3। हम कल किसको पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 13.3 को। और आज के लिए क्लास में इतना ही, अब आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सबसे। और भाई सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कल जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा मेरा, दो वीडियोस और मैं फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपडेट करूँगा। जैसे ही स्टूडेंटों को मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आप ये वाला अपडेट कीजिए, मैं उसी चैप्टर्स का स्टडी मटेरियल आपके लिए अपडेट करूँगा। तो मेरे सारे बच्चों से बस इतनी सी एडवाइस है कि आप इसको देखिए और फिर खुद प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि देख के रख लिया या देख देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं, आप सबसे पहले उसको देखिए और फिर उसके बाद क्या करोगे, फ़ोन को साइड में रख के प्रैक्टिस करोगे। और आज की क्लास के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 13.3 के लिए।